अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 6 एंड टॉपिक इज डिजीजेज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की कॉमन डिजीजेज कौन सी है? कफ, फ्लू, अस्थमा, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। आपके पास कफ क्या होता है? खांसना। फ्लू आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है जो इन्फेक्ट करता है आपके नोज लंग्स को। अस्थमा आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम डिजीज़ है और इसमें आपके पास क्या होता है, जो डस्टी एरिया होता है वहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो वो उनको जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो नॉर्मल नहीं होता, यानी सांस लेने में उनको मुश्किल होती है। निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, तो हम इधर क्या करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया को डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस आपके पास क्या है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ है जो कॉज्ड होता है बाय बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरिया आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप मीन आपके पास ये इतना स्मॉल होता है कि नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी इसमें ये सिर्फ एक सेल से बना होता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, ये आपके क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस कास करता है और ये इन्फेक्ट क्या करते हैं, आपके लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम ये जो जितने भी आपके पास डिजीज़ होते हैं उसमें ज़्यादातर आपके पास क्या इन्फेक्ट होते हैं, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी ये आपके पास क्या होती है, जो टीबी का जो पेशेंट है उससे नॉर्मल बंदे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सिम्टम्स इसके क्या हैं, आपके पास इसके सिम्टम्स क्या है कि कफिंग अप ब्लड, आपको खांसी होती है और खांसने के साथ साथ आपके पास क्या होते हैं, ब्लड भी आता है। फीवर, आपको बुखार होता है। चेस्ट पेन यानी आपके सीने में दर्द होता है। चिल, सर्दी लगती है, वेट लूज, वज़न कम होता है। नाइट स्वेट, रात को पसीने आते हैं। लॉन्ग टर्म कफ यानी आपके पास जो कफ का जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा हो सकता है। नो एपिटाइट, कोई भूख नहीं लगती, और फेटीज, आपको क्या होती है, थकावट होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके पास क्या होते हैं, टीबी से रिलेटेड होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। आपके पास ये क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो देखें, जब नॉर्मल बंदा जिसके लंग्स को क्या किया, बैक्टीरिया ने क्या किया, टीबी कॉज किया है, जब वो खांसता है तो खांसने के साथ क्या होते हैं, कुछ ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, वो एक्सहेल कर लेता है। अब यही एयर जब नॉर्मल बंदा इनहेल करेगा तो जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट है वो क्या करेंगे, इसके बॉडी में इंटर हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाता है, जो नॉर्मल बंदा होता है वो भी टीबी से क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। इसकी प्रिकॉशन आपके पास क्या है कि सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, बैक्टीरिया कॉज होता है। तो हम क्या करते हैं, जितना साफ रहेंगे उतना ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट के साथ आप क्या करते हैं, जो कॉन्टैक्ट करते हैं उसको अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो जब हम टीबी पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो नॉर्मल बंदा भी इन्फेक्ट हो सकता है। थ्रू वैक्सीनेशन इस बीमारी से बचा जा सकता है, और इस क्या कहते हैं, टीबी का इलाज भी वैक्सीनेशन का जो कंप्लीट जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करेंगे तो आप क्या कहते हैं, टीबी का इलाज जो है मुमकिन है। सेकेंड बीमारी हमारे पास क्या है, निमोनिया। निमोनिया भी आपके पास क्या करता है, ये किस वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होता है, और ये आपके पास क्या करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। निमोनिया में क्या होता है कि आपके लंग्स में जो एल्वोलाय हैं, जो एयर बैग हैं, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, फ्लूइड से फिल हो जाते हैं। तो जब वो फ्लूइड से फिल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्रोंकियोल को की ब्लॉकेज करते हैं, तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस नहीं हो पाती, इन्फ्लेमेटरी हो जाती है आपके जो लंग्स हैं, तो
और तो इसको इन्फ्लेमेटरी हो जाती है और आपके पास क्या हो जाती है, लंग्स आपकी क्या हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहती। अब ये देखें नमूनिया, ये हेल्थी लंग्स है और यहाँ पे आपके पास क्या है, जो एयर एल्वोलाय हैं वो भी आपके पास क्या है, नॉर्मल है, और ब्रोंकियोल भी आपके पास नॉर्मल है। जबकि इन्फेक्टेड जो लंग्स है तो उसमें आपके पास एल्वोलाय क्या है, फ्लूइड से फिल्ड है, तो इस वजह से आपके पास क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स भी आपके पास क्या हो जाते हैं, ब्लॉकेज है, तो ये आपके लंग्स क्या करती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। निमोनिया के आपके पास कॉजेस क्या हैं, कफ विथ म्यूकस, आपको जो खांसी होती है उसके साथ म्यूकस होते हैं, यानी म्यूकस आपके पास क्या है, बलगम होता है, तो आप जो खांसते हैं उसके साथ बलगम होता है। हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार होता है। सवियर चेस्ट पेन, आपके पास जो सीने में शदीद किस्म का दर्द होता है, या जब खांसते हैं तब भी आपके सीने में क्या होता है, दर्द होता है। फास्ट ब्रीथिंग, आपकी जो ब्रीथिंग होती है वो नॉर्मल नहीं रहती बल्कि वो क्या हो जाती है, बहुत तेज़ होती है। प्रिकॉशन, यानी हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरी एहतियात करके आप क्या करते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। अवॉइडिंग स्मोकिंग, आपके पास जितनी भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो डिज़ीज़ है वो क्या होती है, जो स्मोकिंग करने वाले बंदे हैं उसको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, जल्दी इन्फेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो हेल्थी जो स्मोकिंग नहीं करते उन बंदों से, क्योंकि स्मोकिंग आपके पास क्या होती है, सब आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है, तो जब आपके लंग्स वीक होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आसानी के साथ वायरस और बैक्टीरिया से उनको आसानी के साथ इन्फेक्ट कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड बिफोर यूज़ ऑफ टॉयलेट, आप जब भी यानी सफाई का बहुत ख्याल रखें, लेकिन जब टॉयलेट होते हैं उस टॉयलेट के यूज़ करने के बाद अपने हैंड को ज़रूरी साफ़ करना है। कीप अवे फ्रॉम निमोनिया पेशेंट, जैसे कि ये कॉज क्या होता है, वायरल डिजीज़ है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो क्या करते हैं, जो निमोनिया का पेशेंट है उससे जब दूर रहें, यानी कुछ फासले पे रहेंगे तो आपके पास क्या होता है, इस बीमारी से बचा जा सकता है। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन से भी क्या होते हैं, इस बीमारी से बचा